जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने पूरे क्षेत्र के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया है, ऐसे भाई निशिकांत दुबे जी, पोरैयाहाट के हमारे प्रत्याशी जो बच्चों को जीवन में शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, ऐसे भाई श्री गजाधर सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश झा जी, लक्ष्मीनारायण सिंह जी, श्री लक्ष्मी चक्रवर्ती जी, श्री अशोक यादव जी, श्री डब्लू भगत जी, श्री अशोक शर्मा जी, श्री सुनील कुमार पांडे जी, बबलू सिंह जी, और मेरे साथ में भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री बिहार के नेता भाई नित्यानंद राय जी, और आज इस विधानसभा के अंदर पधारे हुए भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं रत्नेश्वर धाम और योगिनी माता को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ज्योतिर्लिंग में विराजे बाबा वैद्यनाथ और शक्तिपीठ जय दुर्गा शक्ति को भी मैं नमन करता हूं, और आज इस पवित्र भूमि पर आया हूं तब जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश में सबसे पहला क्रांति का बिगुल फूंका था, वो संथाल हुल के सभी शहीदों को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये सिद्धो कानू, चांद भैरव और फूलो जानो ने न केवल झारखंड, न केवल बिहार, देश भर के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी भाई लड़ाई कैसी लड़ते हैं इसका एक संदेश भेजा था, और आज यही भूमि पर मैं गजाधर सिंह जी के लिए जो एक प्राचार्य हैं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनको मैं यहां पर जिताने की अपील करने आया हूं। मित्रों, बहुत लंबी बात नहीं करनी, आज यहां पर झारखंड में एक विचित्र प्रकार का दृश्य हुआ है। गुरुजी ने झारखंड के राज्य की रचना के लिए एक आंदोलन छेड़ा कि झारखंड का विकास तभी हो सकता है जब झारखंड राज्य अलग बने, और उसी गुरुजी के सुपुत्र हेमंत जी सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने के लिए निकले। मैं भाई हेमंत सोरेन को इतना पूछना चाहता हूं कि जब झारखंड के युवा अलग झारखंड के लिए अपनी आहलेख जगाते थे, आंदोलन करते थे, पुलिस की लाठियां गोलियां टीयर गैस खाते थे, उस वक्त कौन डंडे चलाता था, कौन गोलियां चलाता था? यही आरजेडी और कांग्रेस पार्टी झारखंड को रोक कर बैठी। आज आप मुख्यमंत्री बनने के लिए वही कांग्रेस पार्टी, वही आरजेडी के साथ मिलकर आए हैं। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, झारखंड का अलग राज्य तब तक नहीं बना जब तक केंद्र में कमल फूल की सरकार नहीं हुई, भाजपा की सरकार नहीं हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने झारखंड राज्य की रचना करने का काम किया, और 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने ये 5 साल के अंदर झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। ये झारखंड जो कभी नक्सलवाद के कारण विकास के रास्ते से भटक गया था,
युवा गुमराह हो चुका था और झारखंड के अंदर रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, अरे शौचालय और पानी पहुंचाना भी दुष्कर हो गया था। उस वक्त ये रघुवर दास और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने, ये डबल इंजन सरकार ने झारखंड के अंदर से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया और आज झारखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मित्रों, जो जर्जर व्यवस्था के अंदर झारखंड भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये 5 साल के अंदर झारखंड के घर घर में बिजली, शौचालय, गैस का चूल्हा, पीने का पानी और सखी मंडलों के माध्यम से माताओं को रोजगारी देने का काम हुआ है। और जो लोग अपने आप को झारखंड का हितैषी कहते थे, वो जब जब सत्ता पर आए भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप फिर एक बार पूर्ण बहुमत की कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मोदी जी को झारखंड का विकास करने का मौका दें। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर झारखंड के पिछड़े समाज के युवाओं को एक वादा किया है कि इस बार झारखंड की सरकार बनते ही, भाजपा की सरकार बनते ही पिछड़ा समाज के युवाओं को आदिवासी और दलितों का आरक्षण कम करे बगैर पिछड़ा समाज के युवाओं को आरक्षण बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मित्रों, हमने यह भी तय किया है कि 55 साल से पिछड़ा समाज के जो लोग काका साहेब कालेलकर का कमीशन आया, तब से संवैधानिक सम्मान के लिए जूझ रहे। मोदी जी ने 14 से 19 के सरकार के बीच में पिछड़े समाज के लोगों को संवैधानिक सम्मान दिया और अब झारखंड के अंदर भी उनका आयोग गतिमान करकर पिछड़े समाज के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा 5 साल, अब मोदी जी ने मुझे सरकार में मंत्री बनने का मौका दिया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, निशिकांत जी यहां बैठे हैं, निशिकांत जी ने ये पूरे क्षेत्र के अंदर भारत में सबसे ज्यादा विकास के लिए धन राशि करने का लाने का काम किया है। तो निशिकांत दुबे ने सारी सुविधाएं, एयरपोर्ट लाना हो, रेलवे को पहुंचाना हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा गरीबों तक पहुंचाना हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक क्षेत्र का विकास की एक सीमा लांघने का काम किया है। मैं पोरैयाहाट विधानसभा की ही बात करूं तो यहां पर रघुवर सरकार ने 533 किलोमीटर सड़क 150 करोड़ रुपए के लागत से बनाई है। मित्रों, 150 करोड़ रुपए की, एक 5 साल के अंदर 533 किलोमीटर की सड़क बनाना कोई सरल काम नहीं है। और यही विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50,285 घरों में शौचालय बनाकर माताओं, बहनों, दीदियों को शर्म से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,460 घरों को और 44 मत्स्य कृषकों को वेद व्यास आवास का लाभ दिया गया। कुल 16,000 से ज्यादा बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 12,288 किसानों को 25,000 रुपये तक का फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 1600 मेगावाट का विद्युत संयंत्र आज विद्युत उत्पादन करने से शुरू हो गया है।
25,563 घरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 225 किलोमीटर लाइन बिछाई गई है और 6,000 से ज्यादा बिजली के खंभे लगाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 90% अनुदान पर दुधारू गाय महिलाओं को दी है और 1825 महिला मंडल गठित कर 21,900 से ज्यादा बहनों को काम देने का काम किया है। मित्रों, इस संथाल परगना की बात करें तो देवधर और दुमका में एयरपोर्ट, डाकिया योजना के तहत 35 किलो अनाज, दुमका में मेडिकल कॉलेज, दुमका गोड्डा पाकुड़ा जामताड़ा साहेबगंज और देवधर के लगभग 70 लाख गरीबों को इसका फायदा मिलने वाला है। साहेबगंज में गंगा नदी पर 4-लेन पुल, बंदरगाह और एक मल्टी मॉडल हब बनाया गया है जिससे यहाँ का माल विश्व भर के बाजार के अंदर जाएगा। 26 ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं का निर्माण पूरा किया गया है और 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को हमने घर देने का कार्यक्रम किया है। मित्रों, मोदी जी ने भी ढेर सारे काम झारखंड के विकास के लिए किए हैं। बाबा देवधर की नगरी में एम्स का निर्माण किया, देवधर जमशेदपुर दुमका बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण किया, रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया, पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया, हजारीबाग पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज पूर्ण होने वाली है, चाईबासा और कोडरमा में नई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया, सिंदरी उर्वरक कारखाने की शुरुआत फिर से करी और ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मगर मैं कुछ चीजें आज आपको पूछने आया हूं। ये सारे काम, विकास के काम, ये झारखंड की भूमि को एक आदर्श राज्य बनाने का काम, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार करेगी ही, मगर अभी अभी ये राहुल बाबा झारखंड में घूम रहे थे तो राहुल बाबा का मैंने भाषण सुना। उन्होंने कहा झारखंड वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है। मुझे बताओ भैया, आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो कि अपना कश्मीर भारत में जुड़ा रहे? जरा जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? माताएं बताएं, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये राहुल बाबा और हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड की जनता का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे राहुल बाबा, आपको इस देश की पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। यही झारखंड के हजारों युवाओं ने सीआरपीएफ, बीएसएफ और सेना में वो कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान देने का काम, यही झारखंड के युवाओं। और ये कह रहे कि कश्मीर और झारखंड का क्या लेन देन है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इटाली की भूगोल समझ में आएगी, भारत की भूगोल समझ में नहीं आएगी। मित्रों, आपने 19 के चुनाव के अंदर मोदी जी को 14 में से 12 सीटें दे दी। मोदी जी 305 सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। पहले ही सत्र के अंदर उन्होंने बिल लाया और 370 और 35 को हटाकर हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। मुझे बताइए भाइयों बहनों, 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलो, राहुल बाबा के कान तक आवाज जानी चाहिए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहते 370 हटाने का क्या मतलब है? राहुल बाबा, आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करो, ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हमारे लिए देश के बढ़कर कुछ नहीं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक विराट मंदिर बनाया जाएगा। अब आप लोग नारे लगाकर हर्ष ध्वनि लगा रहे हो,
और राहुल बाबा कहते हैं कि भला अयोध्या और झारखंड का क्या लेन देन। मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 100 साल से केस चल रहा था। ये कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में रही, जब जब केस चला, इन्होंने श्री राम जन्मभूमि का केस न चले इसके लिए अनेकानेक षड्यंत्र करी। ये कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहकर कहते हैं अभी मत चलाइए, अभी देर है। सिब्बल साहब, 100 साल हो गए, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी और यूनेनी मसली सर्वानुमत से फैसला दे दिया कि वहां जहां रामलल्ला जन्मे थे वहां आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अरे कांग्रेस पार्टी को जो विरोध करना है करने दो। मैं आज झारखंड की जनता को कहने आया हूं कि वहीं पर, वही राम जन्मभूमि पर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, ये कहते हैं देश की सुरक्षा और झारखंड के चुनाव का क्या लेन देन? मुझे बताओ झारखंड वालों, मेरे युवा साथी बताएं, देश सुरक्षित रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? ये कहते हैं झारखंड की जनता और देश की सीमाओं का क्या लेन देन? राहुल बाबा, ये झारखंड के वीर युवाओं ने ही देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने जान की बाजी लगाई है। परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र से इस झारखंड की वीर माताओं के घर सजे हुए हैं। आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा मित्रों, 10-10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, केंद्र के अंदर हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे।